अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर खैरियत से और खुशहाल होंगे। मुलजिम को रिहा कर दिया जाए, मेरी शादी हो चुकी है। सगे बाप पर ज्यादती का इल्ज़ाम आयद करने वाली लड़की अपने बयान से मुकर गई। दोस्तों, अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, और जिन हमारे दोस्तों ने हमारे चैनल को आज ज्वाइन किया है वो भी हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ उन तक आसानी पहुँच सके। दोस्तों, लाहौर सगे बाप पर जाति का इल्ज़ाम आयद करने वाले लड़के ने अपने बयान से मुकर गई। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के इलाका शहदारा में दरिंदा सिर्फ शख्स की तरफ से सगी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाए जाने का के केस में नया रो। दो बरस कबल शहदारा की रिहायशी लड़की अक्सा जमशेद ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसके वालिद मियाँ जमशेद नामी शख्स ने इसे ज्यादती का निशाना बनाया है। लड़की के इल्ज़ाम पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ थाना शहदारा में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अब 2 साल बाद केस में इस वक्त नया रुख इख्तियार किया गया, जब मुतासरा लड़की ने अदालत में ये मौकफ इख्तियार किया कि इसकी शादी हो चुकी है, इसलिए इस केस की मजीद पैरवी करना चाहती ही नहीं। लिहाजा अब अगर मुलजिम को रिहा भी कर दिया जाए तो इसे कोई एतराज़ नहीं होगा। दोस्तों, हम किस तरफ आ गए जहाँ एक बेटी अपने बाप के से भी महफूज नहीं है, एक बहन अपने भाई से महफूज नहीं। क्या हमें इसी बात की तालीमात दी जा रही है? दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करेंगे, उन्हें हलाल और हराम और हम उन्हें इस्लाम के मुताबिक इस्लाम की रोशनी में उन्हें ज़िंदगी बसर करने के तरीके बताएंगे तो इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आएगा जहाँ के बाप बेटा माँ और बहन भाई के दरिंदगी से महफूज नहीं है, जिन पर उनको फ़ख्र होता है कि ये मेरी हिफाजत करेंगे, वही लोग इनकी इज़्ज़त के दुश्मन बन जाते हैं, इनकी इज़्ज़त को तार तार कर देते हैं। दोस्तों, खुदारा एक ऐसी कंपेन चलाएं जिसमें इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि भाई हमें अपने बच्चों की परवरिश इस्लाम की रूह से करनी चाहिए, इस्लाम की रोशनी में करनी चाहिए, ताकि हम लोग मज़ीद इस तरह के वाक़ात से कोई बहन कोई बेटी ना अपने बाप से ना अपने भाई से उसे कोई डर हो। बाहर के लोग एक अलहदा है, अगर हम अपने आप को ही इस चीज़ से नहीं बचा पाएंगे तो हम बाकियों से इनकी हिफाजत कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।